बिल गेट्स एक ट्रक ड्राइवर से दुनिया का अमीर तरीन आदमी कैसे बना, वो तमाम मालूमात जो आज से पहले आप नहीं जानते होंगे जानिए इस वीडियो में। बिल गेट्स जिनकी वजह शोहरत उनकी बेपनाह दौलत है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये दुनिया के अमीर तरीन इंसानों की फहरिस्त में पहली पोजिशन पर बराजमान है। इसके अलावा बिल गेट्स की वजह शोहरत उनके खैराती काम है जो इस वक्त पूरी दुनिया में जारी है। एक दफा उस्ताद ने बिल गेट्स को घूर कर देखा और शदीद गुस्से में बोला, बिल तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा ट्रक ड्राइवर बन सकते हो। पूरी क्लास ने कहकहा लगाया और वो थके थके कदमों से बाहर निकल गया। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसका आखिरी दिन था। वो इस यूनिवर्सिटी में रियाजी का तालिब इलम था। इसे क्लासरूम का माहौल, क्लास फेलोज की गुफ्तगू, असाज़ा का पढ़ाने का तरीका और यूनिवर्सिटी की नई पुरानी रिवायात बोर लगती थी। वो कई कई दिन कैंपस से गायब रहता था। उसका ज्यादातर वक्त सियाटल झील के किनारे पॉल एलन के साथ गुजरता था। पॉल भी इसकी तरह लंबी लंबी मंसूबा बंदी का माहिर था। वो दोनों घंटों किसी ऐसी दुनिया के बारे में सोचते रहते थे जो अभी तक तखलीक के मराहिल में दाखिल नहीं हुई थी। वो दोनों दिन में ख्वाब देखते थे। इन ख्वाबों के दौरान एक दिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसका नाम खारिज कर दिया। इसके वालिद की ख्वाहिश थी कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इजाज़ के साथ डिग्री ले, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसका नाम खारिज कर दिया था। इसके वालिद को शदीद सदमा पहुँचा, लेकिन बिल मुतमईन था। उसका ख्याल था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी किसी न किसी दिन अपने इस नालायक तालिबे इल्म पर फख्र करेगी। आने वाले दिनों में इसकी ये बात सच साबित हुई और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के गेट पर इसके नाम की तख्ती लग गई। लेकिन ये बहुत बाद की बात है। हम अभी 1975 में हैं। 1975 में इसने अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर दुनिया की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई। इस कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट रखा गया। लोग इसके आइडियाज और कंपनी के नाम दोनों पर हंसते थे, लेकिन इसने हिम्मत ना हारी। वो काम करता चला गया, यहाँ तक कि 1979 तक कंपनी ने पर पुर्जे निकाल लिए और वो ठीक ठाक अमीर हो गया। लेकिन अभी वो इस कामयाबी से दूर था जो बचपन से इसके जहन पर दस्तक देती आ रही थी। 1980 में स्टीव बॉलमर ने कंपनी ज्वाइन की और इसके बाद देखते ही देखते माइक्रोसॉफ्ट वॉशिंगटन रियासत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। इसके पास रोजाना इतने चेक आते थे कि बैंक ने इसके दफ्तर में अपनी शाख खोल ली। आने वाले दिनों में दुनिया के 51 बड़े बैंकों ने माइक्रोसॉफ्ट में अपनी शाखें खोली और बैंक अकाउंट्स के हुसूल के लिए माइक्रोसॉफ्ट को बाकायदा तरगीबात देने लगे। 1990 तक माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे मशहूर कंपनी थी और वो दुनिया का नामवर तरीन शख्स था। वो इस कदर मशहूर हुआ कि बिल क्लिंटन ने 1998 में ऐलान किया, वी आर द नेशन ऑफ बिल गेट्स। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इस नालायक तालिबे इल्म का पहला एजाज था। जी हाँ, इस शख्स का नाम बिल गेट्स है और ये पिछले 12 साल से दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। ये इंसानी तारीख का वाहिद शख्स है जो 38 बरस की उम्र में दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना और इसने मुसलसल 12 साल तक ये एजाज बरकरार रखा। माइक्रोसॉफ्ट में इस वक्त तकरीबन 64,000 के करीब लोग मुलाजिम हैं। इसका कारोबार 102 ममालिक तक फैला है, जबकि ये कंपनी अब तक दुनिया के 1,28,000 लोगों को अरबपति बना चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट के मुलाजमीन औसतन $89,600 सालाना तनख्वाह लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के 5 डायरेक्टर्स हैं और बिल गेट्स के पास सबसे ज्यादा शेयर्स हैं। वो 97,74,99,336 शेयर्स का मालिक है। अमरीकी स्टॉक एक्सचेंज में माइक्रोसॉफ्ट के शेयर की कीमत इस वक्त तकरीबन $23 से $24 है। पिछले 15 वर्षों में मीडिया ने बिल गेट्स को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कवरेज दी। वो दुनिया की बा असर तरीन शख्सियात में शुमार होता है। लोग इसके साथ हाथ मिलवाना, इसके साथ तस्वीर खिंचवाना एजाज समझते हैं, जबकि इसे दुनिया के 35 ममालिक में सरबराहे मुमलिकत का प्रोटोकॉल भी हासिल है। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारा पेज डेली पाकिस्तान भी लाइक कीजिए। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।